नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। मध्य प्रदेश बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने पार्टी मुख्यालय में पूजा पाठ के बाद अब विधिवत काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज से मैंने अपना काम शुरू कर दिया है, हमारे सामने प्राथमिकता है, विधानसभा और लोकसभा चुनाव जीतना हमारा लक्ष्य है, 200 पार सीटें जीतने का। वहीं फग्गन सिंह कुलस्ते की नाराजगी पर उन्होंने कहा कि वह नाराज नहीं है, बीजेपी तोड़ने फोड़ने पर विश्वास नहीं रखती, पार्टी के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। पूजन अर्चन करने के पश्चात हमारे सभी श्रद्धेय महापुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्रद्धेय ठाकरे जी, राजमाता जी, प्यारेलाल खंडेलवाल जी, नाना जी, श्रद्धेय पटवा जी, ऐसे सभी महापुरुषों का स्मरण करके विधिवत आज से कार्यालय में काम प्रारंभ हो जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जो कल हमने उससे आह्वान किया है कि आज से ही हम चुनाव के मैदान में उतर गए हैं, तो एक स्पष्ट संदेश उसके पास में रहे कि प्रदेश के अध्यक्ष से लेकर और मतदान केंद्र के कार्यकर्ता तक सभी के लिए लाइन बड़ी स्पष्ट है कि हमारे सामने प्राथमिकता है 2018 का विधानसभा चुनाव और उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव, और इन दोनों ही चुनावों में विजय भारतीय जनता पार्टी की हो ये हमें सुनिश्चित करना है। जीत हमारी ही है, भारी बहुमत के साथ जीत हो इसका प्रयास भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करे, ये स्पष्ट संदेश है। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आज। इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।